नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो फटाफट से जुड़िए, जो भी स्टूडेंट हमें फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज से आप एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, तो दोस्तों इस चैनल पर फटाफट से जुड़िए और यहाँ पर आके आप कमेंट करें ताकि हम आपके कमेंट भी बिल्कुल पढ़ पाए। ठीक है, चैनल का नाम है दोस्तों एग्जाम फंडा के नाम से है चैनल। ठीक है, EXAM एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आके आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। हाँ भाई, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कविता, हाँ भाई, सुमन चौधरी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बनवारी लाल मीना, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, सुमन चौधरी, विशाल, हाँ भाई, प्रिंस सीमा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। दीपू पाल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़े दोस्तों, फटाफट से जुड़े, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग नंबर सिस्टम के, तो आप लोग फटाफट से जुड़े ताकि आपको आगे की बातें बिल्कुल बता सकें। हाँ भाई, प्रिंसेस सीमा, नमस्कार, नमस्कार भैया, नमस्कार। ठीक है, हाँ भाई, सभी लोग जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग कविता, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़े हैं आप लोग। ठीक है, इधर फेसबुक पेज वाले हैं, जो भी स्टूडेंट, जैसे कि चौधरी ममता, विक्रम मीणा, ठीक है, विपिन कुमार, तो बेटा प्लीज आप यूट्यूब चैनल पे आ जाएं फटाफट से। यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा के नाम से है। हाँ भाई, फटाफट से जुड़े ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। और सब जैसे कि अच्छा नंबर सिस्टम, ओके। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन कर रहे थे और फिर इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा आगे की तरफ और हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से। ठीक है, हाँ भाई, फटाफट से जुड़िए जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं। ठीक है प्लीज, ताकि हम क्लास स्टार्ट करें और फिर क्लास के साथ साथ आपको बता भी सकें किस तरीके से हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, हाँ भाई, बिल्कुल। कल केडी सर ले रहे थे, ठीक है, संडे को रहती है उनकी क्लास। ठीक है, हाँ भाई, देखिए आप लोग, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन देखते चलेंगे आप लोग और आप लोग फटाफट से आंसर भी बताएंगे। ठीक है, देखो जो भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ उनके सबके क्या बताएंगे, आप आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने और आप लोग प्लीज आंसर बताएं, जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं हमें, प्लीज आप लोग आंसर बताएंगे। तो देखो क्वेश्चन है, 10 × 15 × 44 × 28 × 70 में शून्यांकों की संख्या याद करो। ठीक है, मैं शून्यांकों की संख्या याद करो, शून्य अंकों की संख्या याद करो। हाँ भाई, फटाफट से इसमें बताना है शून्य अंकों की संख्या। जो भी स्टूडेंट देखो, ये ट्रायंगलिंग ऑफ जीरो, शून्य अंकों की संख्या टॉपिक मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है, और चैनल का नाम है बेटा, ध्यान रखें, एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल। इस चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। चैनल का नाम है एग्जाम पंडा, देखते हैं फटाफट आंसर आना चाहिए। देखो ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भाई। क्वेश्चन है, 10 × 15 × 44 × 28 × 70 में शून्यांकों की संख्या याद करो। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से आप आंसर दें। इसमें सुमन चौधरी का आंसर आया है, 3 बोल रहे हैं कि इसमें शून्यांकों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी है, 3 है। यस, सभी लोग आंसर दें, जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर, जहां पर ही देख पा रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, हाँ भाई, 3 होगा। ठीक है, वेरी गुड, पुनरावृत्ति खत्म हो गया बेटा। ठीक है, प्रिंसेस सीमा, पुनरावृत्ति जो थी पूरा खत्म हो चुका है, रिपीटेशन नंबर। ठीक है, हाँ भाई, देखो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करा रहे हैं हम, क्वेश्चन ये शून्यांकों की संख्या से क्वेश्चन है। देखो इसमें अनीता रंगा, इनका भी आंसर 3 है, मोहित कुमार, ठीक है, वेरी गुड। देखो कुछ नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 0 कब बनता है। 0 बनता है 2 × 5 के, ठीक है, जोड़े से। 0 कब बनता है, 2 × 5 के जोड़े से बनता है। ठीक है, ये चौधरी ममता, विक्रम मीणा, विपिन कुमार, गुड मॉर्निंग, बट आप फटाफट से यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा पर आके जुड़े। दीपू पाल, सुकार राय, ठीक है, हाँ भाई, बनवारी लाल मीना, 3 आंसर आ रहा है इनका। सभी लोग आंसर दें आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विनोद गिरी, प्रिंस सीमा, ठीक है, वेरी गुड। कविता, इनका भी आंसर आ चुका है।
वेरी गुड, ज्यादातर लोगों का आंसर सही है। ओके थैंक यू भाई, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है आप लोग आंसर दे रहे हो, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। ठीक है हाँ भाई, अब आप देखेंगे आप लोग फटाफट से देखो कैसे करते हैं भाई। इसमें शून्यांकों की संख्या बताना है, इसमें क्या बताना है आपको, शून्यांकों की संख्या। और आप लोग जानते हैं बेटा कोई भी जीरो कब बनती है, दो गुना पांच के जोड़े से बनते हैं। जितने दो गुना पांच के जोड़े होंगे उतनी ही क्या होंगी, जीरो होंगी। जानते हैं आप लोग उतनी ही क्या होंगी, जीरो होंगी। अब ये देखना है, अब देखो आप दस है तो दस को क्या लिख सकते हैं आप, पांच गुना दो लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पंद्रह को आप क्या लिख सकते हैं, तीन गुना पांच लिख सकते हैं। चौवालीस को आप क्या लिख सकते हैं, देखो बाईस गुना दो करें चौवालीस होता है। ठीक है तो आप क्या लिख सकते हैं, चौवालीस को देखो फैक्टर कर लिया करो, यदि आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप फैक्टर कर लिया करो। जैसे कि ये चौवालीस है, इसके फैक्टर करेंगे, दो करेंगे कितना आएगा बाईस, फिर दो करेंगे कितना आएगा ग्यारह, फिर दो करेंगे फिर ग्यारह करेंगे कितना आएगा एक। ठीक है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दो गुना ग्यारह, या फिर दो की पावर दो गुना ग्यारह लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है अट्ठाईस, सात चौक अट्ठाईस, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, सात गुना दो की पावर दो। भाई अट्ठाईस को क्या लिख सकते हैं आप, सात गुना चार। ठीक है और चार को क्या लिख सकते हैं, दो की पावर दो। सत्तर, सत्तर को क्या लिख सकते हैं आप, सात गुना दस, या फिर सात गुना दो गुना पांच लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ ना बोलो आप, सात गुना दो गुना पांच लिख सकते हो कि नहीं, यस और नो में जवाब चाहिए भाई। बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोगों को, ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं आप, दो गुना सात गुना दो गुना पांच। ठीक है अब आप देखो पांच कितनी बार आ रहा है, एक दो और ये तीन। पांच कितनी बार है यहां पर, तीन बार आ रहा है। ठीक है पांच कितनी बार आ रहा है, तीन बार। दो कितनी बार आ रहा है, एक बार। दो और एक तीन, तीन और दो पांच, पांच और एक छह बार आ रहा है। दो कितनी बार आ रहा है यहां पर, छह बार। पर आप ये बताओ जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े बनेंगे पांच गुना दो के कितने जोड़े, तीन जोड़े। कितने जोड़े, तीन जोड़े। तो तीन जोड़े तो कितने जीरो, तीन जीरो। कितने जीरो, तीन जीरो। ये आपका क्या बना, आंसर बना है। हाँ भाई बोलो बोलो भाई, समझ पाए या नहीं समझ पाए, यस और नो में फटाफट आंसर दिया करो यार आप। ठीक है ताकि आपकी प्रॉब्लम हम देख पाए सुन पाए। ठीक है हाँ भाई यस, बस यही देखना है आपको। ठीक है और कुछ भी नहीं देखना। ठीक है कोई भी जीरो बनती है वो किससे बनती है, पांच गुना दो के जोड़े से जीरो बनती है। यस और प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करते चलें आप लोग। ठीक है वेरी गुड। ठीक है देखो और क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं मैं। हाँ तीन करेक्ट है आंसर। ठीक है ये लो आंसर क्वेश्चन, और देखें क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखेंगे आप। हाँ भाई एक गुना, सभी लोग आंसर देंगे आप लोग। ठीक है एक गुना तीन गुना पांच गुना सात गुना नौ गुना ग्यारह गुना इस तरीके से, और ये हो रहा है यहां पर निन्यानवे गुना एक सौ एक। एक में शून्यांकों की संख्या याद करो फटाफट से करें आप। हाँ भाई फटाफट से करें आप लोग, जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं। ठीक है फटाफट से करें आप लोग। ठीक है हाँ भाई, हाँ भाई ऊपर वाले में आंसर बताओ, नीचे वाले को और बड़ा करके लिख दूंगा मैं। ठीक है चलो इसको थोड़ा सा बाद में लिख दूंगा, एक प्रश्न को उसका आंसर बताएं आप लोग। ठीक है इसको बाद में लिख देंगे अभी। हाँ भाई
कोई जीरो नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जो सीरीज देख रहे हैं आप, ये विषम संख्याओं की सीरीज है। किसकी? ऑड नंबर की सीरीज है, ठीक है। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना, इस तरीके से। अब भाई विषम संख्या में दो तो आएगा ही नहीं, दो तो आएगा ही नहीं, ठीक है। दो नहीं आएगा तो 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई भी जीरो नहीं होगी, चूंकि ठीक है, चूंकि ये विषम संख्या है इसलिए दो नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, और दो नहीं आएगा तो यहां पर क्या है, 5 गुना 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, 5 गुना 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, और 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है, तो भाई कोई भी जीरो नहीं होगी। इसलिए इसका आंसर होगा कोई भी जीरो नहीं होगी, कोई भी जीरो नहीं बनेगी, नहीं होगी, कोई जीरो नहीं होगी। इसका आंसर होगा कोई भी जीरो नहीं होगी, ये आपका आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आया क्यों नहीं होगा? ठीक है भाई, क्लियर है सबके? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, फटाफट से देखा करो यार, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, 1 गुना 2 1 गुना 1 गुना 2 गुना 3 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 5 गुना 5 गुना डेड डेड डेड, इसी तरीके से 49 गुना 49 की घात 49 में शून्यांकों की संख्या याद करो, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। शून्यांकों की संख्या याद करो, हाँ भाई फटाफट से बताएं। और भाई अभी भी बताता हूं मैं चैनल पे, अभी भी जुड़ जाए आप लोग, चैनल का नाम है बेटा एग्जाम पंडा के नाम से है यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आके आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपके सब कुछ समझ में आएगा। हाँ भाई फटाफट से करें, ठीक है। ठीक है, अब तो आप करें आप फटाफट से, ठीक है। आंसर बताओ सुमन चौधरी, फिर कम लेंगे टाइम, ठीक है। आंसर बताओ आप, हाँ भाई आंसर दो बेटा फटाफट। प्रणाम भाई प्रणाम, हाँ बिल्कुल, विवेकानंद 2 गुना 5 से 0 बनता है। कोई नहीं कोई नहीं, आंसर दो बेटा आंसर दो। हाँ भाई अभी किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, आप सोच सकते हो, खुद खुद आप सोच सकते हो कितना अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। और बेटा यदि आपको अभी भी तरीके से पढ़ना है, शाम को पर्सनल बैच चल रहा है, पेड बैच चल रहा है, शाम को 7 बजे से पेड बैच चल रहा है, ठीक है। हाँ भाई शाम को पेड बैच चल रहा है, शाम को 7 बजे से। एक इस करेक्ट आंसर बोल रहे हैं कविता जी, आंसर वेरी गुड। हाँ भाई सभी लोग आंसर दें, आप लोग जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं प्लीज आप लोग आंसर दें। जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, 250 प्रिंस सीमा का आंसर आया है, 250, ठीक है। अभी देखते हैं बेटा किस किस का आंसर आता है। हाँ भाई करें आप लोग, ठीक है। यस सुमन चौधरी 1-0 होगा, देखते हैं बेटा, ठीक है। आप लोग आंसर दो बस, ठीक है। 1-0 नहीं, इसमें काफी जीरो आएंगे, ध्यान रखें ये कोई विषम संख्या की सीरीज नहीं है बेटा, ठीक है। आ रहा नहीं समझ में? अब ये आपको देखना है कैसे होगा इसका आंसर, ठीक है। वेरी गुड विशाल, इनका भी आंसर 250 आया है, कविता का आंसर 250 है। सभी लोग करें आराम, आपको मैंने सिखाया ऐसे टॉपिक पढ़ाए, ध्यान रखें आपको, ठीक है। पूरा बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर कराया, पूरा एक एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। हर कुछ सभी चीज मैंने आपको पढ़ाई। हाँ बिल्कुल, कल भी क्लास नहीं हुई, ठीक है, कल संडे था, और फिर आप कल भी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल 26 जनवरी है, ठीक
कल क्या है, 26 जनवरी है, ठीक है, कल भी क्लास नहीं होगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग करें आप लोग इधर, गोपेंद्र अवस्थी, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो काफी लोगों का सही है आंसर और कुछ का गलत भी है, ठीक है, तो देखें आप। अब आप देखो इधर भाई, आपको मालूम है कि भाई 2 × 5 के जोड़े से बनता है जीरो, जीरो कब बनता है, 2 × 5 के जोड़े से बनता है। अब इन जोड़े में जो सबसे ज्यादा होगा उसके अनुसार नहीं बनेंगे जीरो, ठीक है, जोड़ा जो कब बनता है, जो सबसे कम होता है उनके अनुसार जोड़ा बनता है। भाई मान के चलो 5 तो है 20 और 2 रह गए सिर्फ 5, तो जोड़े कितने बनेंगे, 5 ही बनेंगे, कितने बनेंगे 5, ठीक है, क्योंकि जोड़ों के लिए दोनों बराबर चाहिए तभी जोड़े बनेंगे। तो यहां पर देखो जो इनमें सबसे कम होगा उतने ही जोड़े बनेंगे, ठीक है, ये आपके दिमाग में क्लियर है। अब इनमें देखो 2 तो हर 2 के बाद आएगा, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4 आ रहा, 2 तो हर 2 के बाद आएगा, कम क्या आएगा 5 आएगा, कम क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, आपके आपके क्यों नहीं होगा रीजनिंग, ठीक है, हाँ हाँ भाई देखिए आप, ठीक है। अब आप देखें यहां पर कम क्या होगा, यहां पर 5 होगा, कम क्या होगा 5 होगा, ठीक है, इधर देखिए कम क्या होगा 5 होगा, तो आप देख रहे हैं यहां पर 5 की पावर 5, तो 5 कितनी बार है यहां पर, 5 बार, 5 कितनी बार है भाई, 5 बार, फिर 5 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10, ठीक है, तो आप 10 की पावर क्या लिखोगे 10, 10 को आप क्या लिख सकते हैं 5 × 2 की पावर कितना 10, तो 5 कितनी बार आ रहा है यहां पर 10 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 10 बार, फिर क्या आएगा 15 आएगा, तो 15 की पावर कितना आएगा 15, तो यहां पर 3 × 5 लिखेंगे आप, ठीक है, की पावर 15, तो 5 कितनी बार आ रहा है यहां पर 15 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 15 बार आ रहा है, फिर क्या आएगा 20 की पावर 20, तो 20 को क्या लिख सकते हैं आप 4 × 5 की पावर 20, तो 5 कितनी बार आ रहा है यहां पर 20 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है बेटा 20 बार आ रहा है, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आप 25 की पावर 25, ठीक है, तो 25 को आप 5 × 5 या फिर 5 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं आप, अरे हाँ ना बोलो भाई, 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं, तो 5 की पावर 2 की पावर 25, ठीक है, देखो 5 की पावर 2 की पावर कितना 25, तो 25 × 50 बार आएगा, कितनी बार आएगा 50 बार आएगा, फिर क्या आएगा 30 आएगा, ठीक है, तो 30 की पावर 30, तो 30 को क्या लिख सकते हैं आप 5 × 6 की पावर 30, तो 30 कितनी, 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 30 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 30 बार, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आप 35 लिखेंगे, तो 35 की पावर 35, ठीक है, तो 5 × 7 लिखेंगे आप की पावर 35, ठीक है, तो 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 35 बार आ रहा है, ठीक है, अब जगह कम बच गई इसलिए इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है, बाकी इधर और लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इधर और लिख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, ध्यान रखें आप, काफी अच्छा प्रश्न, ध्यान रखें मेंस में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। फिर देखो आप उसके बाद 40, ठीक है, तो 40 की पावर 40, तो 40 को क्या लिखेंगे आप 8 × 5 की पावर 40, तो 5 कितनी बार आएगा यहाँ पर 40 बार आएगा, कितनी बार आएगा भाई 40 बार आएगा, फिर 45 की पावर 45 आएगा, तो 45 को आप क्या लिखेंगे 9 × 5 की पावर 45, तो 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 45 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 45 बार। अब इन्हें सबको जोड़ लो, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो देखो बेटा इधर देखो 5 और 5 10 और 5 कितना 15, हासिल की कितना 1, ठीक है, फिर जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 1 कितना 5, 5 और 5 10 10 और 3 कितना 13 और 3 कितना 16, कितना हुआ 165 तो ये हुए, फिर इनको और जोड़ लो ये 85 हो गए, तो 165 + 85 आप जोड़ोगे तो कितना हुआ 0 8 165, ठीक है, 8 और 6 कितने हो गए 14 14 और 1 कितना 15, 1 और 1 कितना 2, मतलब टोटल कितने 250 × 5, तो कितने 0 250 0 होंगी। सर ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कितनी होंगी टोटल 250 0 होंगी, यस, समझ रहे नहीं आप, बस ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है सबके दिमाग में इस तरीके से, ठीक है, काफी अच्छे प्रश्न होते हैं, ठीक है, हाँ भाई क्लियर है कि नहीं आपको, यस और नो में जवाब दो भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
इधर विक्रम मीणा, ठीक है, विपिन कुमार, गोपेंद्र अवस्थी, ठीक है, ये जो देख रहे हैं फेसबुक पेज पे बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक ही है, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल करना पड़ेगा, आएगा तो भाई, ठीक है। बेटा ये शॉर्ट ट्रिक ये ध्यान रखें, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ता है। देखो एक शाम को बैच चल रहा है, पेड बैच, ठीक है, उसमें भी आप आ सकते हो, ठीक है, शाम को 7 बजे से पेड बैच है, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखे आप, और क्वेश्चन क्या है, अब आप सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। हाँ भाई, ये वही प्रश्न करा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन है, पूर्णांकों की संख्या याद करो, पूर्णांकों की संख्या याद करो, पूर्णांकों की संख्या याद करो, ठीक है। क्वेश्चन है, 2 गुना 1, 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 5 की पावर 4 2 गुना 5 गुना 5 की पावर 6, ठीक है, शायद ऐसे ही बढ़ रहा है, ठीक है, 2 गुना 7 गुना 5 की पावर 8, ठीक है, और फिर 2 गुना 9 गुना 5 की पावर 10, ठीक है, इसमें बताएं आप कितनी जीरो होंगी, यस आंसर बताएं आप लोग फटाफट से, ठीक है। और जो स्टूडेंट फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज आप एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल का नाम, इस चैनल पे आप आके कमेंट करो, एग्जाम फंडा, EXAM FANDA, इस चैनल पे आके आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। हाँ भाई, फटाफट से बताएं आप लोग। हाँ भाई, फटाफट से करें आप लोग। हाँ भाई, आंसर दें आप, यही ये यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन यही है। हाँ भाई, क्वेश्चन है 25-0 बता रहे हैं बहुत से लोग, ठीक है। हाँ भाई बताएं, हाँ भाई, वेरी गुड, ज्यादातर लोगों का आंसर आ चुका है, निर्मल कुमार, इमरान हुसैन, ठीक है। इधर फेसबुक पेज वालों आप ऐसा करो भाई, यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, यूट्यूब चैनल एग्जाम पंडा, दीप पाल, सुशील शर्मा, 25 आ रहा है मेरा, वेरी गुड, ठीक है, दीप पाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो काफी लोगों के आंसर सही हैं, कुछ के गलत अभी आ रहे हैं आंसर, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल 1% भी। हाँ भाई, मनोज राठौड़, प्रिंसेस सीमा, मोहित कुमार, यस, सभी लोग दे भाई आंसर दें, बिट्टू कुमार, समझना तो पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो यहां पर आपको सीधा ही प्रश्न दे दिया कि भाई 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4, 2 की पावर 5 गुना 5 की पावर 6, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें देख लो आप, 2 की पावरों को जोड़ लो सबको, और इधर 5 की पावरों को जोड़ लो, यहां पर देखो, ये घात का नियम क्या होता है, 1 की पावर, भाई घात का नियम यह होता है कि भाई 1 की पावर n गुना 1 की पावर m क्या होता है, 1 की पावर m गुना 1 की पावर n क्या होता है भाई, 1 की पावर m प्लस n होता है कि नहीं,
अरे हाँ ना बोले आप, बिल्कुल होता है, ए की पावर एम प्लस एन होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी देखिए, देखो यहां पर लिख सकते हैं आप, इन सबको जोड़ सकते हैं, दो की पावर एक प्लस दो की पावर तीन प्लस दो की पावर पांच, दो की पावर सात और फिर नौ, यही आ गया नहीं, ठीक है, इनको जोड़ लो आप। इसी तरीके से फिर पांच की पावर दो, ठीक है, इनको सबको जोड़ लो, ठीक है, प्लस पांच की पावर चार, पांच की पावर छह और पांच की पावर आठ प्लस पांच की पावर दस, इन सबको जोड़ लो। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये देखो आप, यहाँ पर कितने हो गए, नौ और सात कितने हो गए, सोलह, सोलह और पांच कितना, इक्कीस, इक्कीस और तीन आप देखेंगे चौबीस और एक पच्चीस, कितना बनेगा पच्चीस, दो की पावर पच्चीस, यहाँ पर कितना बनेगा पांच की पावर, देखो दस और आठ अठारह, अठारह और छह कितने हो गए चौबीस, चौबीस और चार कितने हो गए अट्ठाईस और दो कितना हुआ तीस, पांच की पावर तीस। अब भाई दो की पावर पच्चीस आ रहा है, पांच की पावर तीस आ रहा है, कम कौन आ रहा है, दो की पावर कम कौन आ रहा है, दो की पावर कितना पच्चीस, तो पांच गुना दो के कितने जोड़े बनेंगे, पच्चीस जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे भाई, पच्चीस जोड़े बनेंगे, तो पच्चीस जोड़ेंगे तो कितनी जीरो होंगी, पच्चीस जीरो होंगी, कितनी जीरो होंगी भाई, पच्चीस जीरो, ये आपका क्या बनेगा आंसर यहां पर निकल कर आएगा। ठीक है, हाँ भाई बोले आप फटाफट, आंसर समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, हाँ जी भाई बोलो फटाफट से, आंसर समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, यस आंसर दें आप लोग यार, ऐसे नहीं आंसर तो आना चाहिए आप लोग, वेरी गुड, लाइक और शेयर करते चले आप लोग, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर फटाफट करते चले, हाँ भाई वेरी गुड वेरी गुड, देख पा रहे हैं आप लोग, सभी समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आ रहा है, हाँ जी भाई बोलो फटाफट से, मनोज राठौर यस, सभी लोग बोले किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन यदि आ रहा है तो बताएं आप लोग, ठीक है, हाँ भाई ओनली पांच लाइक हैं अभी, चलो कोई नहीं, ठीक है, हाँ भाई लाइक और शेयर करें आप लोग फटाफट से, हाँ भाई जितना हो सके करें आप लोग, ठीक है, हाँ भाई फटाफट से लाइक करें आप लोग, फटाफट ऐसे नहीं नहीं करें आप लोग, ठीक है, हाँ भाई फटाफट, आपके पास एक मिनट का समय है, आप लाइक करो, फिर और क्वेश्चन करेंगे हम, काफी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, हाँ भाई, और यदि आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो चैनल का नाम है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, ई एक्स एम एग्जाम फंडा, एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल का नाम, एफ ए एन डी ए एग्जाम फंडा के नाम से है, चैनल को लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आप लोग, ठीक है, हाँ भाई देखते हैं अभी कितने लोग ने नहीं किया है, ठीक है, फटाफट से समय है आपके पास एक दो मिनट का, उस समय में आप करो फटाफट से, हाँ भाई देखो क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आने चाहिए आपको, ठीक है, हाँ भाई क्लियर है यहां तक, और देखो शाम को पेड बैच चल रहा है बेटा, देखो शाम को यदि आप अभी भी कोई बच्चा जिन्होंने परचेस नहीं किया, शाम को सात बजे से पेड बैच चल रहा है, ठीक है, जिसकी क्लास शाम को कितने बजे होती है, सात बजे से होती है, ठीक है, तो आप उस पेड बैच पे अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, वहां से क्या पूरा प्रॉपर टॉपिक पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, वहां पर टॉपिक पढ़ाया जाएगा पूरा, ठीक है, हाँ भाई आई हैव ऑलरेडी ओके, ठीक है आपने कर दिया बहुत बढ़िया, हाँ भाई बहुत बढ़िया, इधर फेसबुक पेज वालों आप यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट करो, देखो ये शाम को जो पेज चल रहा है इसकी मात्र फीस अभी भी कितनी है 499 रुपए, आप उस बैच में बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग आती है, जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी तरीके से बिल्कुल पढ़ा जाता है, ठीक है, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो, बिल्कुल तरीके से देख सकते हो, ठीक है, और चैनल को लाइक किया करो, शेयर कर किया करो, ठीक है भाई, यहां तक कोई भी दिक्कत है क्या, हाँ भाई क्लियर है फटाफट, वेरी गुड बहुत बढ़िया, काफी अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है, और देखें आप अब क्वेश्चन और देखें आप, आपके सामने है क्वेश्चन और आप लोग खुद देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप खुद करेंगे फटाफट से करें आप लोग, क्वेश्चन है
कि भाई 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना इस तरीके से डेढ़ डेढ़ दस तक 75 में शून्यांकों की संख्या याद करो। शून्यांकों की संख्या याद करो। ठीक है, और चैनल का नाम क्या है? एग्जाम फंडा के नाम से है। चैनल किस नाम से है? एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम फंडा, FANDA एग्जाम फंडा के नाम से है यूट्यूब चैनल। चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो भाई आप लोग फटाफट से। देखो आज आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा, हाँ देखो बिल्कुल मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ बेटा, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आप यदि ट्रायंगलिंग ऑफ जीरो डालोगे तो आपको पता चलेगा ये टॉपिक मैं सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, समझ रहे नहीं आप? ये सब टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाने में भी फर्क, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, हाँ भाई अभी देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आएगा। ठीक है, हाँ भाई हाँ भाई करें आप, वेरी गुड। 18 बोल रहे हैं कोई, ठीक है, कविता 20 बोल रही हैं, दीपूपाल कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, 18, वेरी गुड वेरी गुड। करें आप लोग, जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं फटाफट से देखें आप। देखो काफी अच्छे तरीके का प्रश्न है भाई, ठीक है, काफी हाईलाइट प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अभी भी आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। ठीक है, हाँ भाई धर्मराज यादव वेरी गुड। ठीक है, फूलचंद वर्मा, विवेकानंद कांतवाल, ठीक है वेरी गुड, 18 आंसर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी। हाँ भाई वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो आंसर, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई 18 राइट है, चलो अच्छी बात है, देखते हैं अभी क्या होगा। शुभम राय वेरी गुड, फूलचंद वर्मा, नरेश कुमार, दीपू पाल, मेरा तो नहीं आ रहा 18, देखते हैं अभी कितने लोगों का आंसर आ रहा है, अभी देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है आप लोग आंसर दे रहे हो। हाँ भाई प्रिंसेस सीमा वेरी गुड, चलो देखते हैं अभी कितना होगा, अभी देख लेना आप लोग, खुद समझ लेना। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे आप खुद देख लेना भाई। ठीक है, कुछ लोगों का गलत है ये और 18 शायद नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, देखो कैसे होगा। देखो आप इसको आप लिख सकते हो 5 गुना 1, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप 5 गुना 2, इसको लिख सकते हो 5 गुना 3, इसको 5 गुना 4, इसको 5 गुना 5 लिख सकते हो कि नहीं, इस तरीके से डट डट डट। इसको क्या लिख सकते हो 5 गुना 15 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको 5 गुना 15 लिख सकते हो, 15 5 75, तो भाई क्या लिख सकते हो इसको 5 गुना 15 लिख सकते हो भाई। 5 तो कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पर, 15 बार, तो 5 की पावर 15 ये लिख लिया आपने, बचा के यहाँ पर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डेड 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 तक 15 तक, यही बचा के नहीं। अरे हाँ ना बोले आप भाई, 5 तो कितनी बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है, तो 5 की पावर 15 लिख लिया। अब 1 गुना 2 गुना 3 गुना ये देखना है, अब इसमें ये देखना है 2 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, 5 का तो आपको पता चल गया 15 बार आ रहा है,
दो कितनी बार आ रहा है, ठीक है, तो 15 में आप भाग लगाओ सीधा, किसका, दो का भाग लगाएंगे। अरे मालूम है कि नहीं, जानते हो कि नहीं आप लोग, हना तो बोलो आप कुछ है, जानते हो नहीं आप, ठीक है, 15 में किसका भाग लगाएंगे, दो का, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 7 बार, फिर 7 में किसकी भाग लगाएंगे, दो का, कितनी बार, 3 बार, ठीक है, फिर 3 में किसका भाग लगाएंगे, दो का, ठीक है, कितनी बार, 1 बार, ठीक है, तो 7 और 3 10 और 1 कितना हुआ, 11। तो देखो दो तो कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पर, दो तो आ रहा है 11 बार, ठीक है, और 5 कितनी बार आ रहा है भाई, 15 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 15 बार, तो भाई 5 तो आ रहा है 15 बार, 2 आ रहा है 11 बार, तो जोड़े कितने बनेंगे, 2 × 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 11 जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े, 11 जोड़े, और 11 जोड़े तो कितनी जीरो, 11 जीरो होंगी, कितनी जीरो होंगी, 11 जीरो, ये आपका क्या बना, आंसर बना है। हाँ भाई बोलो फटाफट, यस और नो में जवाब चाहिए, आप बताओ, समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग, हाँ ना बोले आप, हाँ भाई नितिन शर्मा, क्लियर है बेटा। देखो ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं यार, उनका ही तो मैं आपसे टेस्ट करा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग यदि रेगुलर पढ़ रहे हो तो, ठीक है, देखो शून्यांकों की संख्या मैं आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से टॉपिक, ठीक है, शेषफल प्रमेय मैंने आपको पढ़ा दिया है, इकाई अंक मैंने आपको पढ़ा दिया, उन्हीं के तो क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, तो प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए आपको यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो, ठीक है। हाँ भाई ध्यान रखें, आप काफी अच्छे तरीके के क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, ठीक है। हाँ भाई वेरी गुड, क्लियर है, ओके, समझ पाए आपको, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 × 3 × 5 × 7 × 10 × 10 ×, ठीक है, समझना आप लोग और करना, ये प्रश्न है अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, 99 × 64 में शून्यांकों की संख्या बतानी है, क्या बताना है, शून्यांकों की संख्या, हाँ भाई फटाफट से बताएं आप लोग, कितने लोग देख पा रहे हैं, और भाई चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, चैनल का नाम क्या है, एग्जाम फंडा है चैनल का नाम, EXAM एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल का नाम, ठीक है, एग्जाम फंडा के नाम से चैनल है, ठीक है, हाँ भाई फटाफट से बताएं आप लोग, यस, हाँ भाई फटाफट से बताएं आप लोग, जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, हाँ भाई कर दिया नहीं कंफ्यूज, अब आपके समझ में आ गए नहीं, हाँ भाई करें आप लोग फटाफट से, फटाफट से करें आप आंसर बताएं, और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का नाम है एग्जाम फंडा के नाम से है यूट्यूब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करो आप, ठीक है, हाँ भाई शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाँ भाई, हाँ भाई देख पा रहे हैं आप लोग, और भाई शाम को बैच चल रहा है, ध्यान रखना पेड बैच शाम को चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 499 रुपए है केवल मैथ ही में इसकी, ठीक है, और आप मैथ और रीजनिंग यदि दोनों पढ़ना चाहते हो तो उसकी फीस है 799, बिल्कुल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, जिसमें आपको मैथ प्लस रीजनिंग मिलेगी और 1 साल तक की वैलिडिटी है, 1 ईयर वैलिडिटी, ठीक है, 1 साल तक आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है, पूरा, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर लिख लो आप, 7906711643, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो आप, बैच परचेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हो, ठीक है, हाँ भाई आंसर आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है,
दीपू कुमार का आंसर 6 आया है। हाँ बिल्कुल कम लाइव है मृत्युंजन यादव। हाँ भाई गलत हो गया प्रिंस सीमा, गलत नहीं सही करो भाई, आप गलत ना करें, आप सही करें आप, ठीक है सही करें आप लोग, ठीक है बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर देते हो, सभी लोग आंसर दें आप, ठीक है। देखो कुछ लोगों का विवेकानंद का आंसर 6 आया है, दीपू कुमार का आंसर 6 आया है, मतलब ये लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं भाई, इसलिए इनका आंसर आ रहा है, सीधी सी बात, ठीक है ये लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई सभी लोग आंसर दें फटाफट से। रविंद्र सिंह 6 आंसर है इसका, वेरी गुड। छोटू कुमार, वेरी गुड। हाँ भाई 6 आंसर है, वेरी गुड। जहां तक 6 आंसर होगा, देखो कैसे होगा भाई, ये आंसर मध्यान्ह का एक भी जीरो नहीं है, ठीक है क्यों, क्योंकि यहां पर 64 आ गया भाई, यहां पर 5 आएगा, 2 ही तो नहीं आएगा, ठीक है। और 64 को आप क्या लिख सकते हो, आप 64 को लिख सकते हो 2 की पावर 6, 64 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6 लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 64 को जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना मतलब 6 बार गुना, मतलब 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 5 को आप ही बार आएगा एक बार, फिर 10 15 ठीक है 20 25 इस तरीके से, और हाँ तक 99 तक 5 काफी बार आएगा, 2 कम आएगा, कितनी बार आएगा 6 बार, तो 6 बार आएगा तो कितनी जीरो होंगी, 6 जोड़े मतलब कितनी जीरो, 6 जीरो, ये आपका क्या बना आंसर बनेगा भाई। 5 तो इसमें काफी बार आएगा, 5 10 15 20 25 ठीक है 30 35 40 45 50 ठीक है 55 समझ में 60 65 5 तो काफी बार आएगा, ठीक है पर 2 कम आएगा, कितनी बार 6 बार, क्योंकि सिर्फ 64 है और 64 क्या बनता है 2 की पावर 6 बनता है, ठीक है तो कितनी 6 जीरो होंगी, कितनी जीरो होंगी 6 जीरो होंगी, बोले आप। हाँ भाई समझ पाए या नहीं समझ पाए, यस और नो में जवाब दो आप लोग भाई। हाँ भाई फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ भाई बताएं आप लोग, यस सभी लोग आंसर दें, जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं प्लीज फेसबुक पेज वाले यूट्यूब चैनल पे आए, यूट्यूब चैनल का नाम है एग्जाम पंडा, ठीक है यूट्यूब चैनल का नाम क्या है भाई, एग्जाम पंडा है इस चैनल का नाम, EXAM एग्जाम और FANDA एग्जाम पंडा के नाम से है यूट्यूब चैनल, इस चैनल को आप लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो भाई फटाफट से, चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, और प्लीज फेसबुक पेज वाले जो बच्चे हैं फूलचंद वर्मा राजेंद्र कुमार आशुतोष कुमार संदीप चहल ठीक है, और देखो और भी लोगों के नाम लेते हैं चलो, शुभम राय ठीक है, ये सरवन कुमार ठीक है, शुभम राय नरेश कुमार विजय कुमार बिट्टू कुमार ठीक है रंजीत कुमार विक्रम मीना ठीक है, तो बेटा प्लीज आप फेसबुक पेज से आप यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा पर आ जाओ ठीक है, फेसबुक पेज से कहां जाओ एग्जाम फंडा पर आ जाओ ठीक है बिल्कुल। देखो बेटा यहां पर देखो 5 तो काफी बार आएगा मृत्युंजय, देखो 5 तो काफी बार आएगा भाई, ऑड संख्या है 5 10 15 20 सभी ऑड संख्या है, 5 5 के बाद कितना आएगा ठीक है 10 आएगा, 5 के बाद कितना आएगा यहां पर देखो 15 आएगा ठीक है 25 आएगा, 5 तो काफी बार आएगा, सिर्फ कम क्या आएगा 6 आएगा, 6 2 कम आएगा कितना 64, तो 2 64 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 64 को क्या लिख सकते हैं आप 2 की पावर 6 ठीक है आंसर आ गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग सोच समझ के करेंगे, ध्यान रखें प्रश्न को सोच समझ कर करेंगे, काफी अच्छा प्रश्न है फैक्टोरियल का प्रश्न है, क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100+ फैक्टोरियल 100+ फैक्टोरियल 200 में शून्यांकों की संख्या याद करो,
शून्यांकों की संख्या याद करो। फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 में शून्यांकों की संख्या याद करो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी भी फेसबुक पेज पे हैं, तो प्लीज चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आके आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा के नाम से है चैनल। चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई फटाफट। जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं प्लीज, यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा के नाम से। हाँ भाई करें आप लोग प्लीज। प्लस में ध्यान रखना है, किस में है, प्लस में है। 73 बोल रहे हैं सुशील कुमार, ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं अभी सभी लोग आंसर दे भाई। आप देखो फैक्टोरियल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखें फैक्टोरियल बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। दीपू पाल इनका भी 73 आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ना करें आप, सभी लोग आंसर दें भाई, ऐसे ना करो, आंसर दो आप लोग फटाफट से, यस फटाफट से, ओके। और भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करते चले आप लोग चैनल को फटाफट से। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, नरेश कुमार, दीपू कुमार, ठीक है, हाँ भाई, दर्शनदीप चहल, आशुतोष, प्लीज बेटा आंसर दें। विवेकानंद 75 आंसर आ रहा है। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग को तरीके से आंसर दो। प्लस में है बेटा, चिन्ह प्लस का है, चिन्ह किसका है, प्लस का है। ऐसे क्वेश्चन में करा चुका हूं भाई, याद हो तो, ऐसे क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आपको कुछ कुछ याद आ रहा हो पिछली क्लास, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, ध्यान रखें, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। विवेकानंद, प्रिंस सीमा 75 होगा, वेरी गुड। देखते हैं छोटू कुमार, हाँ भाई देखें आप फैक्टोरियल 100, तो आप तो ये देख लो फैक्टोरियल 100 को आप क्या लिखोगे, दोबारा समझ लेना, ठीक है। फैक्टोरियल 100 को आप क्या लिखोगे, तो फैक्टोरियल 100 को आप ये लिखोगे, मैं बता देता हूं, तो फैक्टोरियल 100 को क्या लिखोगे आप, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 10 10 गुना 100 ये लिखोगे, ठीक है। तो इसमें देख लो कितनी बार, 5 कम आएगा भाई, 2 तो हर 2 के बाद आएगा, 5 कम आएगा, तो 5 कितनी बार आ रहा है, तो 100 में भाग लगाओ 5 का, 100 में किसका भाग लगाओ, 5 का, ठीक है। तो 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 20 बार जाएगा, फिर 20 में फिर भाग लगाओ 5 का, 5 का 20 अब नहीं जाएगा, तो कितनी जीरो हुई, 24 जीरो हुई, कितनी जीरो हुई, 24 जीरो हुई। फैक्टोरियल 100 में कितनी जीरो हुई, 24 जीरो। फिर फैक्टोरियल 200 में, तो फैक्टोरियल 200 को आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 200 को 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 10 10 कहां तक, 200 तक ये लिखोगे आप, ये लिखोगे कि नहीं, आप मानते हो आप। अब आप इसमें देखो, 2 तो हर 2 के बाद आएगा, 5 कम आएगा, तो देखो 200 में भाग लगाओ 5 का, ठीक है, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 40 बार जाएगा, फिर 40 में फिर भाग लगाओ 5 का, कितनी बार जाएगा, 8 बार, फिर 8 में फिर भाग लगाओ 5 का, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर देखो 48 और 1 49 जीरो आएंगे, कितनी जीरो, 49 जीरो, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो इधर देखना, ठीक है, यहाँ पर देखो 10 की पावर 24 लिख सकते हैं इसको भाई, फैक्टोरियल 100 में कितनी जीरो आ रही है, 24 जीरो, तो इसको 10 की पावर 24 लिख सकते हैं, मतलब 24 जीरो, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10 की पावर 49। अब इनमें मैंने आपको बताया था जो सबसे कम होगा उतने जीरो होंगे, जो सबसे कम होगा उतनी जीरो होंगी, तो कम क्या है, प्लस का चिन्ह बेटा। यदि ये गुणा में होता नहीं तब जुड़ जाता, गुणा में होता तब क्या हो जाता, ये एड हो जाता, क्या हो जाता बेटा, एड हो जाता, समझ रहे नहीं आप। पर ये प्लस में है, किसमें है, ये प्लस में है, किसमें है भाई, प्लस में,
तो यहाँ पर कम क्या है 24, तो कितनी जीरो होंगी 24 जीरो होंगी, कितनी जीरो 24 जीरो, ये आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। स्क्रीनशॉट लें आप लोग फटाफट से, स्क्रीनशॉट लें भाई। हाँ भाई कोई दिक्कत हो तो बताएं आप लोग। यदि ये प्लस में होता नहीं तब ये जुड़ जा, गुणा में होता तब ये जुड़ जाते ध्यान रखें, क्योंकि उसमें लग जाता a की पावर m गुना a की पावर n, तब ये 73 होता, तब कितना होता 73 होता। समझ में आया, कुछ लोगों का आंसर 73 भी आया, तो गुणा में होता नहीं बेटा तब 73 होता, ठीक है। प्लस में तो क्या होगा, जो सबसे कम होगा उतनी ही जीरो होंगे। हाँ भाई बोलो फटाफट से यस और नो में जवाब दो आप लोग सभी। हाँ भाई ज्यादातर लोगों का आंसर सही है, स्क्रीनशॉट लें फटाफट से, स्क्रीनशॉट लो आप लोग। प्रिंस सीमा बोल रहे हैं 24 होगा तब मैंने ऐड कर दिया, चलो कोई नहीं ऐड कर दिया, अब समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, हाँ भाई समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं आप लोग, ठीक है। और इसी तरीके से आप रेगुलर बने रहो भाई, ठीक है, इसी तरीके से रेगुलर बने रहोगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और देखो शाम को पेड बैच चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ शाम को पेड बैच चल रहा है, ठीक है, तो उस पेड बैच में आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, टॉपिक यहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा और प्रश्न उत्तर यहाँ पर काफी कराए जाएंगे, ठीक है, प्रश्न उत्तरों पर यहाँ पर कराए जाएंगे, टॉपिक वहां पर पढ़ाए जा रहे हैं। शाम को कितने बजे, 7 बजे पेड बैच चल रहा है, ठीक है, शाम को ये 7 बजे से पेड बैच चल रहा है, ठीक है। महाराणी समझ में, इस पेड बैच को आप ज्वाइन करो, रेगुलर पढ़ोगे इसमें, बिल्कुल जैसे कि ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से, मात्र 499 रुपए में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपके एसएससी बैंक रेलवे पूरा अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, प्री टू पूरा मेंस लेवल तक, 1 साल तक कोर्स वैलिड है, तो 1 साल तक आप पढ़ सकते हो तरीके से, ठीक है। और यदि आपको बैच परचेज करने में कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर लिख लो आप, 7906711643, इस नंबर पे आके आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, बात कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।